बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कराची से उवैस बात कर रहा हूँ। खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह हजरत, आज तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आए हुए। जी अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये था कि माशाल्लाह से वो जिक्र की पाबंदी हो रही है, और दूसरा ये कि जो दवाज दे तस्बीह वगैरह मैं जो करता हूँ, जैसे आपने वो इतकाफ में जब वो करते थे, अब उसमें जो है बार दफा आप मतलब जिक्र करते थे तो वो रोना आ जाता था, तो मैं भी उस तरीके से नकल करता हूँ, तो बार दफा ये है कि रोना आ जाता है, तो रोना नहीं आता तो वैसे ही शक्ल बना रहता हूँ, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त। अच्छा, बहुत शुक्रिया शेयर करने का, अपने जज्बात हजरत से पूछते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे सब कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और आपकी इजहार मोहब्बत का बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आप जरा इतनी ऊँचे ऊँचे उनवानात हुस्न जन के तौर पर पेश करते हैं, तो मैं तो जो है वो अपनी कम इलमी, अपनी कोताही और नातवानी पर रोता ही रहता हूँ ये सोच के। यहाँ प्रोग्राम में तो रोने का मौका नहीं होता कि वरना बात करना मुश्किल होता है, लेकिन ये तनाइयों में, खलबतों में जब मौका मिलता है, आप हज़रात की हुस्ने जन और आपकी ऊँचे ऊँचे उनवानात को सोचकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। और अल्लाह से एक उनवान मोहब्बत बनाता हूँ कि या अल्लाह, ये हज़रात हुस्ने जन रखते हैं, अहले ईमान हैं, और अहले ईमान के हुस्ने जन को हकीकत से बदल दे। तेरे ख़जानों में कमी नहीं है। जिन जिन अकाबी बुज़ुर्गों के ये लोग नाम लेते हैं और जिनके साथ ये ममारसत ज़ाहिर करते हैं, या अल्लाह उन कि रूहानियत का और इल्म का कोई शम्मा मुझे भी अता फरमा दे कि ताकि मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि जो है इल्म व मारफत की रोशनी दुनिया में फैलाऊं और लोगों को नफ़ा हो सके। तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को भी कबूल फरमाए कि आपने इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके साथ जो है वो गोया के एक तरह की ममासत पेश की है, मेरे लिए मसरत की बात है और एक उनवान दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए। और बाकी आपने जिक्र के हवाले से जो बात कही है कि भाई वो रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बना लेता हूँ, तो बहुत उम्दा है और यही हदीस का तकाजा है, फिल्म तबकु फताबकू, फरमाया कि अगर तुम रो ना सको तो रोने जैसी शक्ल बना लो, कि रोने जैसी शक्ल जब बना लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को इस पर भी तरस आ जाता है। जैसे दुनिया में फ़कीर बेनवा जब मांगने आता है, उसको रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना के वो जो करीम आका से मांगता है तो सखी दाता उसकी झोली भर देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात का इजहार फरमाया कि फ़ैलम तब को फताबकू, अगर रो ना सको तो रोने जैसी शक्ल बना लो, तो बहुत अच्छा है ये जो आप करते हैं। इंशाल्लाह आपको रोने की हकीकत भी नसीब हो जाएगी, और बका की हकीकत नसीब हो गई तो इंशाल्लाह मंजिलें और आसान हो जाएंगी।